करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू एवरीबडी, जय गुरु जी संगत जी। कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी। हम लोग गुरु जी से एक्चुअली 1998 में जुड़े थे। वी वर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दी गुरु जी एंड वी वर हैप्पी फैमिली। वी वर स्टेइंग इन चाणक्यपुरी, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में थे ऑन फर्स्ट फ्लोर। और एक दिन सैटरडे और संडे, इट वॉज सैटरडे और संडे, वी वर एट होम और डोर बेल बजा तो मेरे बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला तो बाहर बाबा जी खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, हाँ जी बोलिए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आपको ना, मतलब डायरेक्टली बेटे को बोला, बेटा आप जब भी ना घंटी बज के पूजा करते तो आपको इरिटेशन होती है। अब ये अजीब सी बात थी, उसको अजीब सा लगा कि ये बात सिर्फ उसको ही पता थी, हमें नहीं पता थी। तो वो कहते, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, इस बाबा जी को कैसे पता। उसने बाबा जी को अंदर बुलाया, घर पे बुलाया, अंदर अंदर मेरे को भी बुलाया। हम लोग आके बैठ गए, बाबा जी के चरण छुए। फिर हमने ऐसे बातें, इधर उधर की बातें की, कहा आप लोग अच्छे लोग हो। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, बाबा जी आप कुछ लेंगे? तो कहते हैं कि मुझे चाय बना दो। मैं हैरान हो गई कि भाई महापुरुष कभी चाय की डिमांड नहीं करते। मैंने चाय प्रसाद बनाया और उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपका बड़ा बेटा है, हमने बताया कि ये हमारा बड़ा बेटा है। तो कहते हैं कि ये बड़ा बेटा, इसको राइट साइड बॉडी में ग्रह है, या तो इसका एक्सीडेंट होगा या कुछ और होगा, इसको गाड़ी चलाने नहीं देना थोड़े दिन। हमने सुन लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं साईं बाबा मंदिर से आया हूँ, काफ़ी बातें की, बाहर ड्रिजलिंग हो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कुछ दक्षिणा वगैरह दे के उनको विदा किया। कहते हैं बारिश हो रही है, मैंने छतरी वगैरह दे दी और वो चले गए। ये बात आई गई हो गई, हमने कुछ इसको ज़्यादा तौज नहीं दिया। ही सेड कि आप जब साईं बाबा मंदिर आते हो जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ आके मेरे से मिलना। हम इस बात को भूल गए। उसके बाद विद इन वन मंथ गुरु जी का पता लगा। एक्चुअली आई एम सॉरी संगत जी, मेरे बेटे को, ही वॉज हेल एंड हार्ट, ही हैड गॉन टू ऑफिस और उसकी लंच मीटिंग थी। तो ही सेड, मम्मा आज मुझे लंच नहीं चाहिए। तो उसकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई एंड ही हैड टू टेक डोसा फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई थी, मैं मोतीबाग में ड्यूटी करती थी। इवनिंग में उसका फ़ोन आया कि मम्मा मुझे बहुत लूज मोशन एंड वॉमिटिंग हो रही है, मैं आपके डिस्पेंसरी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब तक वो पहुँचा, मैं किसी और पेशेंट को देखने चली गई और इसको इतनी तकलीफ़ थी कि मेरी फ्रेंड वहीं रहती थी, वो उसको हॉस्पिटल लेके गई। और चरक हॉस्पिटल वहाँ मोतीबाग में है, वहीं पे मेरी ड्यूटी थी नज़दीक में CJHS में। तो वो वहाँ लेके गई, उसको ड्रिप वगैरह चढ़ा दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ 7:30 गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको पेट में दर्द, आई थिंक फूड पॉइजनिंग है और कुछ पता नहीं, पर कल अल्ट्रासाउंड करा लेना, कैजुअली बोला। हम लोग घर आ गए, उस दिन ही गॉट डिस्चार्ज। नेक्स्ट डे मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में आया कि उसको कोई लंप है राइट किडनी के ऊपर। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन कराई, एम्स में इन्वेस्टिगेशन कराई। एम्स में एक महीना वो इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी ऑफिस चला जाता था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर्स हैरान, नथिंग वॉज कमिंग पॉजिटिव, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उन्होंने सोचा ये लंप क्यों है, इसको तकलीफ कोई नहीं है, नथिंग इज कमिंग पॉजिटिव। फिर उन्होंने कहा, वी विल ओपन द एब्डोमेन एंड देखेंगे क्या है, एंड देन वी विल डू द बायोप्सी। इन बायोप्सी, जब बायोप्सी हुई तो उसके बाद उन्होंने एक महीना, दे टुक वन मंथ मोर, क्योंकि इट वॉज एंड ऑफ द ईयर, नोबडी वॉज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। 1 January इसकी रिपोर्ट आई कि ही हैज़ वेरी बैड कैंसर।
सॉरी संगत जी सॉरी, तब उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो पीडियाट्रिक कैंसर है, बच्चों को होती है, 3-4 साल के बच्चों को होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। मोस्टली बच्चे मर जाते हैं, आज तक उसका इलाज नहीं है। हम हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद मैं मोतीबाग डिस्पेंसरी में काम करती थी, VIP डिस्पेंसरी है, वहाँ एक लेडी डॉक्टर करण, डॉक्टर मिस्टर करण तूर की बहन डॉक्टर रूबी, वो आती थी तो वो मेरे को देखती थी, मैं हमेशा रोती रहती थी तो कहती क्या बात है। मैंने बताया कि मेरे बेटे को ऐसे कैंसर हुई है, पीडियाट्रिक कैंसर है, उसका कोई इलाज। देन शी से कि मेरे ब्रदर गुरुजी के पास जाते हैं और वो जलंधर में है, आप चलोगे। अब अंदर में विश्वास कुछ नहीं था। मैंने अपने अंकल को बताया, अंकल ने कहा ठीक है हम जलंधर चले जाएंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा ठीक है हम लोग जलंधर चलेंगे, हमें लेके चलना। बाय विद इन फ्यू डेज गुरुजी केम टू दिल्ली फॉर 4 डेज, और 4 डेज के बाद वो एक्चुअली वीवर इन चाणक्यपुरी गवर्नमेंट क्वार्टर में, गुरुजी चाणक्यपुरी में ही किसी IAS ऑफिसर के घर आए। तब मेरी फ्रेंड वहाँ गई तो उन्होंने बताया, तब गुरुजी अपॉइंटमेंट देते थे, ऐसे गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे। तो हम लोग जब मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक CMO है, उसके बेटे को कैंसर है गुरुजी, मैं उसको लेके आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, वेनसडे बताया कि वेनसडे 7 बजे आ जाना। बाय द टाइम वेनसडे केम, मेरे हस्बैंड को जैपनीज एम्परर का बर्थडे था, दैट वाज ऑन वेनसडे, उनको वहाँ ज़रूर जाना था, राधर हम मुझे भी उसमें जाना था, वी कुडंट मिस दैट बिकॉज इट वाज कंपल्सरी। तो मेरे अंकल ने कहा कि आंटी को, रूबी आंटी को, क्या आप फ़ोन करके देखो थोड़ा लेट चले जाएँ। तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया तो रघुवीर अंकल जी ने उठाया, तो फ़ोन जब उठाया तो कहा हाँ जी, तो इन्होंने कहा हमें अपॉइंटमेंट गुरुजी ने 7 बजे बुलाया है, हम थोड़ा लेट आ सकते हैं, आंटी कह रही हैं मेरे लिए। तो पीछे से गुरुजी सुन रहे थे, कहते हैं नानू कह, कोई गुरुआ की लोड नहीं है। हम डर गए बिल्कुल ही, भाई ये क्या हो गया। मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो इसको, वहाँ गए हम, अपनी साइन किया और पिछले दरवाजे से हम निकल आए। एग्जैक्टली 7 o'clock वी रीच गुरुजी। गुरुजी इतने कृपालु हैं, इतने मेहरबान हैं, इंस्पाइट ऑफ सेइंग कि नानू गुरुआं दी कोई लोड़ नहीं, गुरुजी ने जो हमारे ऊपर कृपा की। पहले दिन ही उन्होंने कहा, मेरी फ्रेंड ने जब बताया कि ये मेरी फ्रेंड है CMO, उसके बेटे को कह, गुरुजी ने कहा कल्याण किता आंदे रहो। एंड ही टोल्ड अस टू ब्रिंग 23 कॉइन, जो 23 कॉइन्स जो कॉपर के आते थे होल वाले, वो लेके आना। दैट संगत टोल्ड अस कि भाई आपको हनुमान मंदिर से मिल जाएंगे। वो हमने 23 कॉइन वहाँ से लेके आए। एंड ही सेड 5.25 ग्राम का गोल्ड का ओम बनवा के लेके आना। एंड ही टोल्ड अस टू ब्रिंग लोटा। लोटे के लिए गुरुजी ने बताया कि बेटे को पिलाना है, सराहने पे रखना है और सुबह को उठ के आधा पीना है और आधे से नहाना। कॉइन्स के लिए उन्होंने कहा कि 2-2 कॉइन, अंकल को कहा कि बहते हुए पानी में जमुना में रोज़ 2-2 कॉइन्स डालने। अंकल रोज़ डाल के आते थे, कभी हम वो भी कर लेते थे कि बोट क्लब पे डाल के आते थे अगर अंकल को टाइम नहीं मिलता था। जब 22 कॉइन ख़त्म हो गए तो गुरुजी को बताया, गुरुजी अब 1 ही कॉइन रह गया। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा कल सुबह डाल के आना और उस टाइम टाइम देख लेना, शाम को आके मुझे बताना। अंकल ने जब वो कॉइन डाला, अंकल ने टाइम देखा, शाम को हम गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी बहुत खुश हो गए। टाइम जब बताया कि गुरुजी मैंने इस टाइम पर वो कॉइन डाला था, गुरुजी बहुत खुश हुए। एंड ही सेड कि आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, उसके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स थे। तो गुरुजी इतने दयालु, गुरुजी ने सिर्फ लंगर खिला के मेरे बेटे की ऐसी कैंसर, जो जिसके लिए हमें अमेरिका से भी जवाब मिल चुका था, टाटा मेमोरियल से जवाब मिल चुका था कि ये नहीं जाएगी और बेटे को मरने दो, डोंट डू एनीथिंग, लेट हिम डाई। गुरुजी ने कैसे वो कष्ट निकाला, मतलब एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल है जिनको पता है हमारा जवान बेटा जाने वाला है। वी डिड एवरीथिंग, गुरुजी के पास जाते थे, लंगर खाते थे, सब कुछ किया, जॉब पे भी जाते थे। ये गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, अदरवाइज इंसान के हाथ में नहीं है कि इतना बड़ा दुख इतने आराम से झेल ले। दिस इज़ ऑल गुरुजी। थैंक
थैंक यू गुरु जी, थैंक यू तो बहुत छोटा लफ्ज है, हम अपनी जान भी दे दें, जो भी गुरु जी करें हम कहें, हम करें वो भी बहुत कम। रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू गुरु जी। आज अगर गुरु जी हमारे ऊपर ये कृपा नहीं करते हम कहीं रोते फिरते होते। टुडे वी आर दी हैप्पीएस्ट एंड ब्लेस्ड फैमिली ऑन दी अर्थ। दिस इज माई थिंकिंग, दिस इज माई थिंकिंग कि गुरु जी ने हमें खुद बुलाया। अच्छा, जब गुरु जी के पास भी हम लोग गए थे, मैंने शायद नहीं बताया, वी वर इन चाणक्यपुरी, और चाणक्यपुरी में वहाँ पे ऐसे कोई भी फकीर, मैंने बताया बाबा जी का नहीं बताया, ऐसे बाबा जी या कोई भी नहीं आ सकता था आके, बताया था, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी। दूसरा बताती हूँ, मैं आई थिंक इट वॉज 2006, मैं हेल एंड हार्टी थी, मुझे कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं पता नहीं क्यों नहीं गई गुरु जी के यहाँ, तो अंकल गए थे, तो गुरु जी ने कहा आज आंटी नहीं आई है। अंकल ने कहा नहीं गुरु जी आज आंटी नहीं आई है, कहते उसके लिए लोटा लेके आना, अगली बार जब आओ तो लोटा लेके आना। अंकल ने कहा जी गुरु जी। घर आए मुझे बताया, मैंने कहा हम नाचिस लोग हैं, कीड़े मकोड़े ना लिखे, गुरु जी हमें याद करते। नेक्स्ट टाइम हम लोग लोटा लेके गए, गुरु जी ने मेरे से नाम पूछा, बर्थ डेट पूछी और मेरे को लोटा ब्लेस दिया। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सबको बोलती हूँ हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, पर मैं खुद पानी बहुत कम पीती हूँ। गुरु जी ने जिसको भी लोटा ब्लेस किया उनको कहा कि आधा पानी पीना है आधे से नहाना है। आई एम दी ओनली वन विच आई थिंक, आई डोंट नो, गुरु जी जानते, मुझे कहा पूरा लोटा पीना है, और मैं आज तक वो लोटे से गुरु जी के ब्लेसिंग से मैं जल प्रसाद पीती हूँ, अमृत प्रसाद पीती हूँ। लोटा जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मेरे को इतनी बीमारियाँ आई, मतलब मैं आपको ए टू जेड गिना लूँ तो मुझे एवरीथिंग केम। ये गुरु जी को पता था, मेरे को नहीं पता था, मैंने यही सोचा था गुरु जी मेरे को लोटा क्यों बोल रहे हैं, और ये मेरे को एवरीथिंग आएगा। मेरे को एनीमिया थी, मेरी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम थी, मुझे बैकेक रहता था, मुझे स्लिप डिस्क थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग गुरु जी ने वो जल प्रसाद से अमृत प्रसाद से मेरा क्लियर किया। धीरे धीरे मेरे को अपने साथ जो बोलते हैं आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको भोगना है और मैं आपके साथ हूँ, ये भोग लो। तो संगत जी जो तकलीफें आती हम कभी कह देते हैं गुरु जी ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे हमें दे दिया, इट इज़ नॉट गुरु जी, इट इज़ अवर कर्मास जो हमें भोगने ही भोगने, ये तो हम गुरु जी के साथ हैं। गुरु जी इतना ईजी कर देते हैं हमारा भोगना कि हमें पता ही नहीं लगता है हमने कैसे कैंसर की बीमारी बेटे की भोग ली, पता ही नहीं चला, और हेल एंड हार्टी कर दिया गुरु जी ने मेरे बेटे को। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी लाइफ कितनी, आपने सुना होगा अंकल से, जेठरा अंकल ने बहुत बार बताया कि उनको कितनी बार लाइफ दी है। मेरे को भी आंटी, मैं संगत जी मैं कितनी बार गिरी हूँ, मेरे टांगों में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मैं खड़ी भी रहती हूँ तो गिर जाती हूँ, और इतनी बुरी तरह से गिरी हूँ जब नया वो लगा था मार्बल बड़े मंदिर में, आई वॉज दी फर्स्ट वन, हम लोग वाइपर लेके सफाई कर रहे थे और मैं कैसे गिरी मुझे नहीं पता, और इस तरीके से गिरी कि मुझे लगा मैं ऊपर चली गई, मुझे लोग उठाने लगे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं हाथ लगाइए, मुझे ऐसे बहुत चोट लगी। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई गॉट अप और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा चोट लगा कि आई थॉट कि मैं तो ऊपर चली गई, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कष्ट काटा उसके बाद भी मंदिर में, मैं कितनी बार हल्का सा पानी होता था गिर जाती थी। एक साल मेरे को गुरु, उसमें मेरे को क्या होना था ये गुरु जी जाने। तो संगत जी जब भी दुख आता है हम उस टाइम तो डोल जाते हैं, पर आई थिंक गुरु जी बड़े दुख को छोटे छोटे करके हमें दे देते हैं और टूटने नहीं देते हैं, ये उनकी ग्रेस है। अदरवाइज अगर हम गुरु जी के साथ नहीं होते तो कब के टूट जाते। सो इट इज़ ऑल थैंक्स टू गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं पर मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं एक सत्संग करती हूँ जो आपने शायद सुना नहीं होगा।
मैं एनजीओ जाती हूँ गरीब बच्चों को देखने, गुड़गांव में ही स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को देखने जाती हूँ। तो एक दिन मैं और वहाँ एक्चुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि ना तो एग्जामिनेशन टेबल होती है ना कुछ। तो एक बच्चा मेरे पास आया, मुसलमान बच्चा था, अजमल नाम था। तो वो आया तो कहता है, डॉक्टर जी मेरे को पेट में दर्द है। मैं लिखने लगी, मैंने कहा वर्म्स होंगे क्योंकि जिस हाइजीन में वो रहते हैं चक्करपुर में, वहाँ ये होना बहुत ये लाजमी है। तो मैं दवाई लिखने ही लगी, देने ही लगी, तो देना था कि बच्चे का पेट बहुत निकला हुआ है। मैंने कहा बच्चे को कहा बेंच पे लेट जा, वो आधा लटका हुआ लेट गया। और मैंने उसको जब एग्जामिन किया थोड़ा, तो मुझे लगा कि इसका लिवर और स्प्लीन बहुत ज़्यादा बड़े हुए और बहुत हार्ड थे। मेरे को बहुत घबराहट हुई, मैंने उठा के उसको टीचर को, प्रिंसिपल को बुलाया, वो भी गुरुजी की भगत है, मैं ही उसको लेके गई थी। मैंने उनको साइड में लेके कहा कि मुझे लगता है इसको कैंसर है और आप इसको मैक्स हॉस्पिटल में दिखा देना, पर किसी को कुछ बोलना नहीं, बताना नहीं, ये मेरा सोचना है। मैंने जस्ट बच्चे को हाथ लगाया एंड आई कांट से सॉरी गुरुजी, पर मैंने उनको ये बता दिया। दे टुक हिम टू मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव एंड विद इन फ्यू डेज ही वॉज डायग्नोज विथ ब्लड कैंसर। टीचर को मुझे बहुत बुरा लगा, हमने उनके माँ बाप को बुलाया, उनको बोला कि हम लोग इसकी केमोथेरेपी और ट्रीटमेंट करा लेंगे एम्स में, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। माँ बाप ने कहा नहीं, हम लोग तो इसको झाड़ फूँक कराएंगे और गांव लेके जाएंगे। माँ बाप रिक्शा पुलर और मेड थी उसके माँ बाप, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो इसको झाड़ फूँक कराएंगे, स्कूल से निकाल दिया एंड दे टुक दी चाइल्ड अवे। बिफोर ही वेंट, तो जो प्रिंसिपल थी उनके पास छोटा स्वरूप था गुरु जी का। गुरु उसने बच्चे को अलग से बुला के कहा बेटा ये है ना फोटो, अपने पिलो के नीचे रख देना और कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि शिवा सफरेट ये मुस्लिम है, पता नहीं वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। शी डिड नॉट टेल एनीथिंग के शिव जी का जाप करना, कुछ भी नहीं। लड़का चला गया बिकॉज शी हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग टू चाइल्ड। तो उनको भी अंदर से विश्वास नहीं था कि क्या होगा। 6-6 महीने गुजर गए, प्रिंसिपल को हिम्मत नहीं थी कि जो नेबरहुड में बच्चे रहते हैं उनसे वो पूछे कि बच्चे का क्या हाल है, वापस आया कि नहीं आया। 6 महीने के बाद एक दिन बारिश हो रही थी, वो बच्चा रिक्शा में आया, रिक्शा से उतर के दौड़ दौड़ के टीचर के पास आया, कहता है मैम मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, आपने मेरे को वो फ़ोटो दी थी ना वो मैंने रखी, ये है हमारे गुरु जी, ये है। मतलब कहाँ हमें ऐसे गुरु जी मिलेंगे जिनको ना तो पूजा की, ना तो अरदास की, ना तो अंदर में कोई विश्वास था, पर ही इज़ बाउंड टू ब्लेस अस, सो ही इज़ बाउंड टू ब्लेस अवर्स। हमें कभी भी गुरु जी में फेथ नहीं गंवाना चाहिए, ऑलवेज हैव फेथ इन गुरु जी। डोल जाते हैं क्योंकि हम कमज़ोर इंसान, हमें वो हिम्मत नहीं है कि हम डोल ना जाए, पर प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक, कितना भी बड़ा दुख हो प्लीज़ कम बैक। एंड मैं ये कहती हूँ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मेरे बेटे को कैंसर नहीं होती तो आज हम इस स्वर्ग में नहीं बैठे हो। दिस इज ऑल गुरु जी ग्रेस, जो हमें घर पे बुलाने आए। उनको पता था ये लोग नहीं आएंगे, हम लोग बहुत बिजी रहते थे, बच्चे थे, ऑफिस थी, मेरी 2 बार ड्यूटी होती थी, घर का काम, ना तो फुल टाइम सर्वेंट्स होते थे उस टाइम में, कुछ ऐसा नहीं था। तो ये गुरु जी हर एक को उसी तरीके से ही वो बुलाते हैं जैसे समझते हैं कि ये बंदा टूटे ना, मेरी संगत टूटे ना। हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनना है, वो भी हम कोशिश करते हैं पर आई डोंट थिंक हम आज तक वो भी बन पाए। गुरुजी ने सिर्फ हमारे से यही चाहा कि हम अच्छे इंसान बने और दूसरों को जोड़े, जिस दरिया से हमने इतना लिया है और भी ले। जय गुरुजी, संगत जी, मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी, अगली बार ज़्यादा हिम्मत करके करूँगी। बस क्या करूँ।